हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर, क्योंकि आज नए साल की शुरुआत है। हिंदू त्यौहारों में सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रा, और आज नया साल, आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो जो है आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी न्यू घरेलू वीडियो मिल पाए। तो देखिए, मैं यहाँ पर पूजन कर रही हूँ, और आज नवरात्रा, आज मतलब मेरा व्रत है। आज फर्स्ट डे और लास्ट डे मैं रखूँगी, बीच में मैं नहीं रखूँगी क्योंकि दवाई मेरी चल रही है। तो माता रानी की यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है, और देखिए तिलक कर रही हूँ मैं। और ये वीडियो आप बहुत ही मज़ेदार, और इसमें बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों को फलाहार के लिए बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, वरना आप मिस कर देंगे, एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ ना, वो हर किसी को बनाना नहीं आता है, और मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगी कि आप उसमें बिल्कुल बनाने में एकदम आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम लोग बनाएंगे साबूदाना बड़ा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा कम था तो मैं उसको बढ़ा दूँगी, क्योंकि ये हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहेगा। और इसमें मैंने आलू लिया है बॉईल करके, और उसमें हरी मिर्च डाल लिया है। इनकी क्वांटिटी मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट और अपने लोगों के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बना लें। और इसमें देखिए, मैंने मूँगफली दाना ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मूँगफली दाना हम लोग कितना भी देख करके रखते हैं, फिर भी देख के ही डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, मूँगफली दाना मैं यहाँ पर अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल लूँगी। और साबूदाना जो है मैंने पहले से भिगा दिया था, पहले देखिए बाउल में भिगाया था तो मेरे को कम लग रहा था, तो मैंने कटोरी में फिर दोबारा से भिगा दिया। तो 2 से 3 घंटे के पहले आप साबूदाना भिगा दें। और इधर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और आलू बॉईल कर लिया है, और बाकी सब चीज़ देख करके आप लोग बना लें। बस मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, और बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डाल लें, जितने लोगों के लिए बनाना है उतने लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग घरेलू ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नाप तोल करके नहीं बनाते हैं, तो बस इसीलिए मैं इसकी कोई क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ आपको। तो आप लोग देख करके भी वैसे बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर और सेंधा नमक डाला है, काला सेंधा नमक, और इसके बाद में जो साबूदाना मैंने भिगोया था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये सारा मतलब सारी चीज़ जो है मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और ये देखिए, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था आलू, मतलब बाद में मैं इसको डालूँगी, क्योंकि ये कुछ टुकड़े, मतलब वैसे तो हम लोग पूरा मैश कर लेते हैं, बट बाद में जब हम लोग आलू को डालते हैं ना, तो कुछ जैसे कि समोसे में आलू निकलता है ना, वैसे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरीके से इसमें अगर आलू का टुकड़ा निकलता है तो इसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी उंगलियों की हेल्प से, जैसे हम लोग डो तैयार करते हैं ना, वैसे हम लोग इसको तैयार कर लेंगे मसल करके। और आलू की टिक्की जब आप लोग बनाएं, तो सबसे पहली बात यह है कि आलू को ज़्यादा बॉईल ना करें, ज़्यादा गीला ना होने दें, जैसा हम लोग पराठे के लिए बनाते हैं ना आलू को, वैसा रहने दें। और इसके बाद में आप इसमें पानी का यूज़ ना करें बिल्कुल भी, जितनी क्वांटिटी में, मतलब आप बराबर हिसाब से बनाएं कि जितना आलू डालें उतना ही साबूदाना उस हिसाब से, तो गीला नहीं होगा, तो आपके जो बड़े बनेंगे ना साबूदाना बड़ा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसके साथ में आपको बताऊँगी टमाटर की चटनी, हम लोग टमाटर की चटनी लेंगे फलाहारी में। तो ये देखिए, बना लिया है मैंने, और ये बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, आप लोग भी बना करके झटपट बन जाते हैं। मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ। आप झटपट चार पकोड़े एक लोग के लिए काफ़ी होता है, चार बड़े। तो आप थोड़ी सी साबूदाना भिगा दें, एक आलू बॉईल करके, हरी मिर्च डाल करके, हल्दी और नमक और मूँगफली दाना डाल करके तुरंत बना करके सर्व कर सकती हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और ये देखिए, क्योंकि खिचड़ी तो हम लोग नॉर्मली हमेशा ही खबर आते हैं व्रत में, तो इधर देखिए रिंकू जो है टमाटर मैश कर रही है उसमें अच्छे से, और टमाटर की चटनी हम लोग बनाने वाले हैं इसलिए। और यहाँ पर देखिए, साबूदाने का वो पूरा डो मैंने बना करके तैयार कर लिया था, और उसको मैंने रखा नहीं है, तुरंत ही बनाने लगूँगी मैं। ये देखिए, इस तरीके से जैसे हम लोग कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, इस तरीके से देखिए बड़े मैं बना करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से पहले ही मैं बना लूँगी। और अभी देखिए, मैंने गैस को नहीं ऑन किया है, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मी होने लगी है तो ऑयल गर्म हो जाता है। और इस तरीके से बड़े बना बना के मैं रख लूँगी, क्योंकि एक घान में मैं 10 से 12 बड़े डालूँगी,
तो इसीलिए ये देखिए इस तरीके से आप डो तैयार करेंगी ना, इनका मतलब इस तरीके से आप पेस्ट बनाएंगी या इस तरीके से आप जो है बड़े को बनाने के लिए ये मसाला जो बनाएंगी, तो ये कड़क ही आपको रखना है ताकि इसको जब बन करके तैयार होगा ना इतना क्रिस्पी बनता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बना करके इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मतलब ऐसे गोल गोल करके जैसे हम लोग आटे की लेई बनाते हैं ना वैसे बना करके मतलब तैयार कर लेते हैं पहले से ही। और इसके बाद में रिफाइंड ऑयल रखेंगे गरम करने के लिए क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में है, तो जल्दी जल्दी मैं बना करके इसको तैयार कर लेती हूँ। और क्योंकि फलाहार में सबसे ज़्यादा हम लोगों को यही रहता है कि 9 दिन अगर दोनों टाइम का व्रत है तो क्या खाएँ क्या बनाएँ, तो आप इस तरीके से फलाहारी चीज़ें बनाइएगा बहुत जल्दी बन जाती हैं। और ये देखिए मैंने बना लिया है। और किस किस को आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी या मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि तो देखिए रिफाइंड ऑयल मैंने मतलब गैस जो है चालू कर दिया है, अब हम थोड़े से बड़े और बना लेते हैं, इसके बाद में फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने टेस्टी दिख रहे हैं, आपको देखने में ही बहुत स्पेशल लग रहे होंगे ये, और रियली में ये बहुत अच्छे लगते हैं। और व्रत के बगैर भी आप इनको बना करके खिला सकती हैं अपने घर में जब भी आपकी इच्छा हो। तो इस तरीके की टमाटर की चटनी, इस रेसिपी को मैं आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो में दूंगी ताकि जो है आप इसके साथ में, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो क्योंकि बड़े ही हमारे बहुत देर में बनने वाले हैं, तो आप लोग जा करके देखिएगा टमाटर की चटनी बनाना, फलाहारी टमाटर की चटनी। तो ये देखिएगा मैं इस तरीके से बना बना करके रखती जा रही हूँ। और मैंने बहुत कम आप लोगों को बताया है, बहुत देर में ये बने हुए थे, बट मतलब जब भी बनाते हैं ना तो मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि सब लोग इसको आराम से खा लें, जिनका व्रत है वो भी, जिनका व्रत नहीं है वो भी। तो ये देखिए टमाटर की चटनी भी हमारी बन गई है इधर। तो ये देखिए मतलब देखती हूँ मैं थोड़ा सा डाल करके कि मतलब गरम हुआ है ऑयल के नहीं, गरम हो गया है ऑयल हमारा, देखिए कितनी जल्दी गरम हो गया है। मैंने बस 4-5 बड़े ही बनाए हैं इतनी देर में, तो ये देखिए सारे बड़े जो है मैं इसमें डाल दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ फ्राई करने के बाद। बड़े देखिए लगभग लगभग हमारे हो गए हैं अच्छे से, मतलब फ्राई हो गए हैं। इनको थोड़ी देर तक जो है तेल में तलना पड़ता है तभी ये अच्छे से क्रिस्पी होते हैं। तो ये देखिए निकल करके आएंगे प्लेट में, मैं निकाल करके आपको बताती हूँ। और काफ़ी टाइम इसमें लगता है, 5 से 10 मिनट इसमें लग जाते हैं फ्राई करने में, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कढ़ाई में ना चमचे में किसी भी चीज़ में। तो आप इस तरीके से बनाइएगा और सर्व कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सबसे पहले, और गैस को कम कर देती हूँ। तो ये देखिए बड़े हमारे निकल करके हो गए हैं तैयार, कितने प्यारे दिख रहे हैं, और किस किस के मुंह में आ रहा है पानी। और देखिए कितने टेस्टी दिख रहे हैं, मूँगफली दाना अलग दिख रहा है, सब कुछ अलग, एकदम गोल 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 बने हुए हैं। तो दूसरा घान भी मैं यहाँ पर डाल दिया है मैंने, और इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किसके साथ में खाएँगे। तो ये देखिए दूसरा घान भी मैंने डाल दिया है जो हमने प्लेट में बना करके रखे हुए थे, इसीलिए मैं बना करके रख लेती हूँ पहले ताकि जो हमारा ऑयल गर्म हो जाता है ना तो फिर उसको ठंडा ना करें, एक बार में ही निकाल दें, तो आपकी गैस की बचत भी हो जाएगी। और इतनी जल्दी जल्दी क्योंकि बड़े बन नहीं पाते हैं तो इसलिए मैं पहले से बना करके रख लेती हूँ और इस तरीके से डालती हूँ।
तो तलने में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा गैस जब इनमें से निकलती है तो फूट भी सकते हैं ये, तो थोड़ा दूर रख के ही इनको फ्राई कीजिएगा या अपने मुँह पर कपड़ा वगैरह रख लीजिएगा। मैं सिर्फ घरेलू लाइफ के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि एक गृहिणी को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो बाकी आप बना करके खाएँ, बहुत टेस्टी होते हैं ये। और आप लोग मेरी घर की क्वांटिटी देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितने ज़्यादा पसंद है मेरे घर में ये सबको। तो ये देखिए, ये वाला घान भी हमारा जो है फ्राई हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये मेरा दूसरा घान है, तो इसको प्लेट में मैंने बना करके रखी थी, प्लेट में ही निकाल लेती हूँ क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं भिड़ाती हूँ मैं इसके साथ में, क्योंकि बर्तन भी साफ़ करना है। और ये देखिए, इसी में मैं जो है निकाल लेती हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से हमारे घर में ये खाए जाते हैं फलहार के साथ में। और ये देखिए, दूसरा घान भी मेरा बन करके हो गया है बिल्कुल तैयार, और अब मैं बच्चों को सब लोगों को सर्व करती हूँ। तो ये देखिए, टमाटर की चटनी के साथ साबूदाना बड़ा बिल्कुल बन करके है आप लोगों के लिए तैयार। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बना करके रखिएगा। और ये देखिए, मैंने तोड़ करके रख दिया था, एक हाथ में मेरे में मोबाइल है, और ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, और अंदर से एकदम सूखा सूखा सा बना है, ऐसा नहीं है कि गीला गीला सा दिख रहा है। अगर आप डो को जो है सूखा रखेंगे ना, तो ये अंदर से भी सूखा निकलेगा, अगर आप डो को गीला रखेंगे तो ये अंदर से भी गीला निकलेगा। तो इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस किसने बना करके ट्राई किया है, और मेरे बड़े की रेसिपी जो है किस किस को आई है पसंद। तो अभी के लिए बस इतना ही करती हूँ, आज के लिए अलविदा, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी के साथ, मज़ेदार वीडियो लेकर के आऊँगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग जाइएगा मेरे चैनल पे, अदर वीडियोस को भी इंजॉय कीजिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग मुझे हमेशा देते रहिएगा। और ये देखिए कितना नरम बना हुआ है, एकदम क्रिस्पी है, बिल्कुल क्रिस्पी है। तो चलिए बाय बाय।